विकास समिति राजल देसर द्वारा सम्मान्य महावीर प्रसाद जी की समिति में जो ये आयुर्वेद का कैंप लगा है, ये डालमिया ट्रस्ट चिड़ावा की तरफ से लगाया हुआ है। इतना शानदार ये कार्य कर रहा है। अभी जो उपस्थित थी महिलाएं और पुरुष, उनसे मेरी बात हुई है, उनमें दो इस तरह के लोग थे जो ऑलरेडी जिनके 300 के करीब शुगर थी, आज 150-160 करीब है। तो आयुर्वेद की दवाई से इतना बढ़िया कंट्रोल हो रहा कर रहा है, इतना बढ़िया काम कहाँ से, राजल देसर से डॉक्टर दवाइयाँ साथ लेकर आ रहे हैं। तो डालमिया परिवार का जितना अभिनंदन करूँ, जितना उन्हें आशीर्वाद दूँ, उनका धन्यवाद करूँ, कम है कि वो मानवता की सेवा के लिए खूब काम कर रहे हैं। पहले भी मैं एक बार इस्लामपुर गया था, वहाँ पर उन्होंने कुंड बना रखी है, उस क्षेत्र में 7,000 कुंडे बना रखी है। तो मैं उस प्रोग्राम में गया तो मुझे रिपोर्ट वहाँ के प्रधान ने दी कि भाई साहब 2 फुट पानी रिचार्ज हो गया, 7,000 कुंडे उन्होंने यहाँ पर बनाई है। तो मानवता के लिए इतना शानदार काम जो डालमिया ट्रस्ट कर रहे हैं संजय बाबू, उनको सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। परमात्मा उन पर खूब आभार। समिति ने संयुक्त तत्वाधान में आज मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। राजल देसर से विकास समिति से बहुत पुराना नाता है, जब भी इनका आदेश होता है मेडिकल कैंप का आयोजन करते हैं। आज इस मौके पर सेवा का शुभारंभ करने की हमारे राजकुमार जी साहब का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कि आपने अपने व्यस्तम समय में से समय निकाल कर इस सेवा कार्य को गति देने के लिए आज हमारे प्रेरणा स्रोत बनने के लिए आप यहाँ उद्घाटन करने के लिए पधारे हैं। भारतीय सेवा समाज और डालमिया सेवा ट्रस्ट का आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सम्मानीय सम्मानीय महानुभाव देवी युवा विकास समिति राजल देसर के द्वारा एक बहुत ही जबरदस्त काम राजल देसर के मायने गाँव में अलग अलग तरह से जरा काम किया जाए, जिनकी सराहना करा युवा विकास समिति की कितनी कम है। सम्माननीय डॉक्टर योगेंद्र सिंह जी, रतन जी, ललित जी, मदन जी, दादी, सम्माननीय भुवनेश जी, नमिता जी, डालमिया ट्रस्ट को जगह तक 2 बार मेरे भी चिड़ावा में जाने को काम करेंगे। तो बढ़िया काम मानवता के लिए रखे थे। आज मैं बात दर्शन करा कृष्णानंद जी महाराज, ये अगले विभूत है जिनको मैं थाना बताऊँ कि हिंदुस्तान में नहीं बाहर में जाकर इनको अपने मानवता को